हाय हाय, तुम तो मतलब कितने सुंदर लग रही हो। बाय गॉड, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, स्पेशली इस घोड़े पर वीलू। ओए घोड़ा, वाओ, टकबक 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 टकबक, वाओ, आप पीछे बैठ जाना, डबल सीट घूम के आते हैं जुहू, आ जा, कम ऑन। ओए ये कौन है? दादी सरप्राइज, मैं आपका वेला। कर क्या रहा है वो? दादी मैंने सोचा कि आप मेरी शादी पे तो आ नहीं पाई थी, तो आपको एक्शन रिप्ले दिखा देता हूँ। ये बता देता हूँ कि मैं घोड़ी पे बैठ के कितना हैंडसम लग रहा था। क्यों जी? हैंडसम नहीं लग रहा, तू हैंडपम लग रहा। नीचे उतर, बेवकूफ कहीं का। मायरी, भूत लेरकी का इतना हिम्मत कैसे हुआ? तो हमारे जैसे बंगाल टाइगर को मच्छर बना दिया। ना 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 ना, अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है, अभी देखता है भूत लेरकी। ये बच्चे बाबू का घर में ये दुल्हन कौन है? और ये घोड़ा के ऊपर दूल्हा कौन है मेरी? उधर नीचे, उधर नीचे। दादी जी, मैं किचन में जाके खाने की तैयारी करूं। हाँ, मैंने सोचा तू बदल गया होगा, तू वेले का वेला ही रहा, तू आदमी नहीं पजामा है पजामा। अरे लकड़ी के घोड़ों के साथ खेल रहा है और मुफ्त घोड़ों को खिला रहा है। दादी बार बार मुझे मुफ्त खोर मत कहिए, मैं भी तो मेहनत करता हूँ, देखिए। चुप कर, मेरे बच्चे का माल खा खा के खुद तो एकदम कद्दू की तरह फूल रहा है और मेरा बच्चा मूली की तरह सूख गया है। मूली से याद रहा? ओए जी, तो यहाँ क्या इतरा रही है? जा जाके कुछ खाने को दे, भूख लगी है। जी मैं अभी जाके देखती हूँ जिन्होंने क्या बनाया। हटा ये घोड़ी। खाना अच्छा बना जी? देली दादी, ये देखो आपके लिए खास आपके यहाँ की आलू की बढ़िया। अब इसे खाकर आप फील करोगे एकदम बढ़िया। अच्छा अच्छा, देखा कितनी प्यारी लड़की है और तू है जो उससे शादी नहीं करना चाहता। अरे मैं तो कहती हूँ जल्दी से इससे शादी कर ले, नहीं तो कोई भी इसे उठा के ले जाएगा। दादी जी आपका आशीर्वाद रहेगा ना तो जल्दी शादी कर लेगा। हाँ। क्यों कर लेगा ना भाई? मैंने आपसे कहा ना दादी, मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। ओए, तू क्या वहां दांत दिखा रही है बहू? शर्मिली जी आपको बुला रही है। जी दादी जी, अब शर्मिली तुम क्या दांत दिखा रही? अरे मेरा बच्चा खाना खा रहा है, जरा पंखा झेल दो, ऐसा सूख के कांटा हो गया है। करती है दादी जी, रोज करती है, सुबह शाम पंखा करती है, आज पता नहीं कैसे भूल गई। पंखा कर दो ना डार्लिंग। मैडम जी ये लीजिए पंखा। थैंक्स जीनू। जी जी जी, हल्के हल्के अभी करती हूँ। खाना बहुत बढ़िया बना है। और खाओगे? आप खिलाएंगे प्यार तो क्यों नहीं खाऊंगा। अभी देती हूँ। हाँ?
पिटे, अंदर कैसे आ गया ये? कौन? अरे कौन है? पुलिस! चोर चोर! पुलिस को बुला! चोर चोर! बदमाश निकम्मे! एक्सक्यूज मी दीदी दादी, पुलिस को बाद में बुलाना, पहले मेरा बात सुनो मेरी। बस इसी की कमी थी, वो भी पूरे हो जाएंगे। एंटीना हाय, एंटीना। भेल भेल भेला, तो तुम और जिया शादी भी कर लिया? कब कर लिया? मेरे को क्यों नहीं बुलाया? बस जल्दबाजी में कर ली। अरे एंग्री भुमन कौन है? ओए चुप कर। ओए तू है कौन? हाँ मेरे घर में, मेरे वेले के घर में घुसा कैसे तू? आपका भेला का घर? ये? हाँ दादी जी, वो ये चोर नहीं है। दिखा, ये तो पागल भिखारी है। बट भिखारी भिखारी, भिखारी भिखारी भिखारी, इसी तरह ये मोहल्ले में घूमता रहता है और सबके घर में जाके भीख मांगता रहता है। गरीबों की सुनो, ओ तुम्हारे सुनेंगे, तुम्हें एक पैसा देंगे, ओ 10 लाख देंगे। बेल्ला के नाम पे दे दे बाबा, दुल्ला के नाम पे दे दे बाबा। अरे भाई इसको कुछ खाना वाना खिला दो, बेचारा भिखारी भूखा है। हाँ हाँ अभी लाए दादी जी। ले 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 दे, ला रहे ला रहे। ले ले लाओ माई, ले ले। थैंक यू दीदी। इसमें ज्यादा ऑयल तो नहीं है क्या? हाय मेरी भेंट बंसिया। और अगर ऑयल है तो कौन सा ऑयल? ऑलिव ऑयल है कि राइस ऑयल? मस्टर्ड ऑयल है। हाँ तब तो अच्छा है, थोड़ा खाएगा थोड़ा लगाएगा। भगवान तुम्हारा भी शादी जल्दी करे मायरी। गरीबों की सुनो, ओ तुम्हारे सुनेंगे, तुम एक लाख देबो। अजीब शहर है। हाँ, नौकरानी नौकरानी नहीं लगती, भिकारी भिकारी नहीं लगता। ओए मुफ्तखोर, तू तो असली है ना? कुछ समझ भी नहीं आया, हम गाना क्यों गा रहा था और ये खाना क्यों खा रहा था? क्या बात है, आपके चेहरे पे हम देख रहे हैं टेंशन की लकीर और आपका एक्सप्रेशन है जैसे भीख मांगने वाला फकीर। अरे हमारा चेहरा पे ये लकीर टेंशन का नहीं है, हैरानी का है। ओह व्हाई यू से व्हाट हैपेंड? अरे तुम सुनेगा तो तुम भी हैरान हो जाएगा। भेल्ला है ना, भेल्ला सीनियर सर जी हैं। भेल्ला आइए, वो हम अपना पर्सनल आंखों से देख के आ रहा है, बेग के बाबू का घर में वो भेल्ला और जिया ने शादी कर लिया। वाह जोक, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे नाना सत्ती बोलची, हमने अपना दो पर्सनल आंखों से देखा है, बेग के बाबू का घर में वो तो जिया है वो दुल्हन बना हुआ था, और वो जो भेल रहा है वो दूल्हा। क्या आगे शादी? आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि जिया और सीनियर सर जी की शादी हो गई? हैं हैं, हम
खुद देख के आ रहा है। तुमको कोई शक है? नहीं, हमें कोई शक नहीं, हमें पूरा यकीन कि आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी समझ लेते हैं और कुछ भी मान लेते हैं जो भी आपको करना नहीं चाहिए। आपको देसी भाई बनना चाहिए। देसी भाई क्या है? जैसे कि हम, क्योंकि हम न देखते हैं दाएं न देखते हैं बाएं, एज बिकॉज हम है देसी भाई। एंड नाउ यू बाय बाय। हाँ बोलता रहता है, इन्हीं भी कोई मेरा बात पे यकीन नहीं करता। बट खाना आए भीख में मिला हो। बस अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, पानी सर से ऊपर जा चुका है। I can't। वादा न तो। वादा नहीं, मैं तो तेरी हड्डियां तोड़ूंगा तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। संडे के दिन दोपहर में मैं अपने कमरे में आराम नहीं कर सका। पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? हाय हाय, मालिक के बिस्तर पे नौकर सो रहा है। अरे मुफ्तखोर, बेशरम, बेड़ा गर्क हो तेरा, उठ। आराम कर रहा हूं मैं। हाय हाय, नौकर होके मालिक के बिस्तर पे सो रहा है, उठ। अरे क्या कर रहे हो? बेला मेरा दोस्त है, मालिक नहीं। ए, पगार लेता है ना तो तू नौकर है, चल उठ यहां से, उठ। नहीं तो अभी डंडे से बताऊंगी तुझको कौन मालिक है और कौन नौकर। चल जाके नीचे सो जा। नीचे? नीचे कहाँ सो? सोफे पे या सीढ़ी के नीचे सो जा, या मोरी में सो जा, मर यहां से। ये सब इसकी वजह से, इसकी वजह से। अरे लेकिन वो, वो नहीं, ये जो तेरी दादी है ना, कल तक यहां से चली जानी चाहिए, वरना मैं तेरा भरता बना दूंगा। और मैं तुम्हें तोता। तोता ही क्यों? क्योंकि तुम्हारी दादी तोते की तरह एक ही रट लगा के बैठी है, पता है क्या? क्या? तीन साल हो गया तेरी शादी को और अभी तक इस घर में एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना नहीं आया। आज तो मैं जान के ही रहूंगी। क्यों? मैं जानना चाहती हूँ कि कब तू मेरी गोद में एक छोटा सा नन्ना सा कूची कूची सा वेलू डालेगी। जवाब दे। दादी मीना बहुत जल्दी करती है। माय गॉड, वेलू, यहाँ हम सबकी ऐसी की तैसी हो रही है और तुम शर्मा रहे हो बेशरम। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि जूजू, आपको पता है क्या हुआ? लंच के बाद जब मैं किचन में गई तो वहाँ पे ढेर सारे झूठे बर्तन थे, तो मैंने तो सोचा मैं क्लीन करूंगी, सब साफ हो जाएगा। पर पता है उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? बाप रे बाप, इतने सारे बर्तन। जिनिया, तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ये तो पलक झपकाती साफ हो जाएगी। जिनी, जिनी पुत्र। हाँ वेली दादी। ओए की कर रही है? जी वेली दादी। ओए ओए, इतने सारे बर्तन, तू अकेली साफ करेगी इन सबको? तो क्या हुआ वेली दादी, ये तो मेरा काम है, मेरा धर्म। ओए कितनी सोनी है तू, कितनी सोनी है। थैंक यू। अच्छा तू कर बर्तन कर। हाँ मैं यही खड़े रहकर तेरे साथ गप्पे मारती। अब वेली दादी, आप जाके आराम करिए ना, मैं इसे कर लूंगी, फिर आके आपके पाँव दबाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं बैठी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ ना। कर कर चल, कर 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 साफ कर कर ना। ये तो कुछ नहीं है, मैंने तो इससे पहले इससे भी ज्यादा बर्तन साफ किए। कर बेटा कर।
और फिर मैंने अपने हाथ देखे और हिंदी फिल्म का मुझे वो डायलॉग याद आया। पूछोगे नहीं कौन सा? कौन सा? जानी, तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर है, इससे बर्तन मत साफ करो, मैले हो जाएंगे मेले। और देखो जूजू, सच में मेले हो गए। पता है तुम्हें वेलू, 2000 साल में मैंने इतना काम नहीं किया जितना आज 2 घंटे में किया है। ये सब तेरी वजह से भाई, तेरी वजह से। यस। क्या जरूरत थी अपनी दादी से झूठ कहने की कि तू बहुत रईस आदमी है, तेरा आलिशान बंगला है, सुंदर सी बीवी है? हाँ, वो मैंने सोचा कि। सोचा? तूने सोचने की हिमाकत कैसे की? अरे सोचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, जो तेरे पास नहीं है। आइंदा सोचने की हिम्मत मत करना, समझा? वीलू, तुमने क्या सोच के झूठ बोला? कि सरदार बहुत खुश होगा, सब आसी देगा, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सरदार, मैंने आपका नमक खाया है सरदार। अच्छा, तब डंडे भी खाओ। अरे जिनी प्लीज, अपनी बोटी मार रहे हैं, अपनी छड़ी ढूंढ रही। हमारे खानदान में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, तेरे दादाजी ने भी कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। हाँ जी, और तू उस पर हाथ उठा रहा है, बदतमीज। मैं नहीं मार रहा। दादाजी मेरी गलता सुनो, तुझे कमाल कर रहे हो। आज तो थक गई, कितना काम किया, पर ये वेलू की वेली दादी भी एकदम कमाल की है। भले उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, पर एनर्जी बाप रे बाप भर भर के। चलो, एक बात अच्छी हुई, इतने सालों बाद किसी बड़े बुजुर्ग से मुझे भर भर के आशीर्वाद तो मिले जब मैं उनके पाँव दबा रही थी। एक बात कहूँ? कौन? तेरे माँ बाबू जी ने ना बड़े अच्छे काम किए होंगे जो इतनी प्यारी बिटिया उनको पैदा हुई। काश तू मेरी पोती होती। मैं आपकी पोती हूँ और आप मेरी दादी हो। आप ना एकदम दुग्गू जैसी हो। दुग्गू? हाँ, मेरी दादी, उन्हें मैं प्यार से दुग्गू दादी कहती हूँ। ओके। अच्छा एक बात बता। हाँ। तुझे बहुत बुरा लगता होगा ना जब मैं विक्की को डांटती हूँ। अरे उसके अच्छे के लिए डांटती हूँ, कुछ काम कर लेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, फिर तुझसे शादी बनाएगा और बच्चे खिलाना तू उसके। हाँ, मुझे तो अभी भी शर्म आ रही है। वेली दादी कुछ ही घंटों पहले आई और उन्हें पता भी चल गया कि मेरे और जूजू की जोड़ी नंबर 1 जोड़ी है। पर मेरे जूजू को कौन समझाए, मैं और कौन? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।